अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मज़र और आप देख रहे हैं मज़र के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम सुबह सुबह का टाइम है, आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितनी धुंध 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 फोग 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 है। पंजाबी विच कहंदे ने धुंध धुंध, कह लिया तो की माड़ा हो गया शिन साहब। तो ये हमें कह रहे हैं कि आप फोग कहें धुंध मत कहें। तो यार और सुनाएं, ठीक है भाई? ये तो मिलते नहीं हैं, बड़े लोग हो गए हैं। तो हमारे रज़ा भाई जो हैं वो लाहौर से आए हुए थे। रज़ा भाई, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सुबह सुबह गाजरें खाई जा रही हैं, यही तो फ़ायदा होता है देसी माहौल का, विलेज का होता है। सुबह सुबह गाजरें खाई जा रही हैं। रज़ा भाई गाजरें लेके आए थे, रज़ा भाई ने मुझे कॉल की, तो मैं जो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं रह मोहब्बत अली, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार मैं वीडियो बना के आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अभी भाई लोग और आपका भाई जा रहे हैं उधर अड्डे पे, वहाँ चल के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नाश्ता करना है। तो मैंने तो नाश्ता ऑलरेडी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह ही कर लिया था। तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नाश्ता करना है और मैंने इनके साथ थोड़ी सी कंपनी भी देनी है, और हम भी कर लेंगे, हमें क्या है। तो चलते हैं, फिर चल के थोड़े से सीन दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, जो माछीवाल है, मतलब हमारा अड्डा है, सिटी कह सकते हैं आप, छोटा सा सिटी है हमारा। तो ये हमारा पीछे उधर गाँव है, आपको अभी नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि फोग फोग है, स्मोक है हर तरफ। और अगर आपने स्मोक वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और हमारा जो अड्डा है वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम है आई थिंक। तो वो उधर बनता है, हम पैदल जा सकते हैं, अभी थोड़ा सा आगे ही है। तो स्टेशन दिखाते हैं आपको और पहुँच रहे हैं, पीछे चेक करें भाई लोग जा रहे हैं। तो रज़ा भाई जो है लाहौर काम करते हैं, हमारे विलेज से ही हैं और ये आए हुए थे, तो इनके साथ भी तो टाइम स्पेंड करना था यार, हमारे फ्रेंड है। तो इन्होंने कहा यार चलो नाश्ता करने चलते हैं, पैदल चलते हैं। मैं पहले बाइक लेके आ रहा था, इन्होंने कहा बाइक रहने तो पैदल चलते हैं, बातें करें। सुबह सुबह गाजर आपका भाई सारी खा गया, फिर वीडियो बना रहा है, और सामने माशाल्लाह धुंध 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 ही। यहाँ पर हम लोग मैच खेलते हैं, जो आपने वीडियो देखी होगी अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। भाईजान गरीब। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गांव का बट्टा है, वो पहले जो आपको दिखाया था वो और बंदा बट्टा, ये अभी चल गया, चेक कर सकते हैं। अभी और बट्टा है, वो और था, तो अभी लोग काम कर रहे हैं। तो चेक करें, आपके भाई लोग जा रहे हैं इतनी ठंड में सुबह सुबह, तो अभी पहुंचने वाले हैं, बस नज़दीक ही है। आस्ता आस्ता जा रहे हैं गप्पे लगाते हुए, ये पीछे बट्टा आप लोग देख सकते हैं, और ये मेरे सामने भी इंडिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसे मिट्टी पड़ी होती है, तो ये वाली जो मिट्टी है, फिर इसको उधर मतलब ऐसे अखरोड़ के यहाँ से ऐसे बना देते हैं, इनको पंजाबी में कहते हैं घारा बनाया हुआ है, पानी पा के घारा बना के फिर इट्टा तैयार होती ने। अब बारिश की वजह तो ख़राब हो गई ने, और सामने तुम देख सकते हो इट्टा बनिया हुई ने, जो इंटें ख़राब हो जाती हैं, मतलब इन्होंने बनाई हैं लोगों ने, और ऊपर से बारिश आ जाए, वो ख़राब हो जाए, तो वो इनके ज़िम्मे नहीं होती, वो मालिकों के ज़िम्मे होती है, उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर मतलब नहीं ख़राब होती, कभी कभी हो भी जाता है। तो ये पीछे देख सकते हैं लाइन लगी हुई है इंटों की, यहाँ से ये इन्होंने घर वे साथ में घर है उन्होंने लगाया हुआ है, और ये देख सकते हैं खाला है। इधर से जाना है या इधर से जाना है, वो सामने उधर फाटक है, लाइनें हैं, ये लाइनें हैं रेल की, और यहाँ से हमारे यहाँ रेल गुजरती है कराची टू लाहौर वाली, देख सकते हैं। और ये वाला पुराना स्टेशन है, ये अभी बंद हो चुका है, ये टंकी थी, और वहाँ आगे फाटक भी है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, वो सामने आप देख सकते हैं माछीवाल लिखा हुआ है, धुंध में नज़र नहीं आ रहा। तो अभी चलते हैं और स्टेशन भी दिखाते हैं आपको। हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाला हमारा स्टेशन है, माछीवाल लिखा हुआ है, माछीवाल ज़िला विहाड़ी, और पीछे ये रेल है, ये शानी भाई ये रेल है, ये लाहौर से कराची से लाहौर जाती है, लाहौर से कराची जाती है, और कुछ मेन मेन सिटी जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के
हमारा छोटा सा बिल्कुल अड्डा है और उस पर भी ट्रेन आती है अल्हम्दुलिल्लाह यार। मैंने एक बार ना ननकाना साहब जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उधर हमारी ये वाली ट्रेन जाती नहीं थी, उधर लोकल बसेस जाती थी, जो मतलब हाई क्लास की बसेज हैं वो भी नहीं जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से हाई क्लासेस की बसें भी निकलती हैं और ट्रेन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अल्लाह की नेमतें हम पर, तो बहुत रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते हम। आप ये देख सकते हैं ये वाला हमारा स्टेशन है और माशाल्लाह बहुत ही सफाई सुथराई हुई पड़ी है। वो सामने आप देख सकते हैं तरफ से आ रही है, लाहौर जा रही है, और माशाल्लाह ये वाला हमारा स्टेशन है, माछीवाल लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम आके, वहाँ पे एक बेंच होता था, हम वहाँ पे बैठते थे, एक बेंच होता था उस पे हम बैठते थे, बहुत रिलैक्स फील करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी स्टेशन हो, आई लाइक स्टेशंस। मुझे लोगों को एयरपोर्ट पसंद होते हैं, मुझे स्टेशंस पसंद है। और ये पीछे आप हमारा स्टेशन देख सकते हैं, माशाल्लाह ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो धुंध है अभी, वो ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, और पीछे चेक करें कितना अच्छा है। अगर मुझे कोई भाई इंडिया से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेंजर पर अपनी स्टेशन की वीडियो बनाकर भेजें, आई लाइक स्टेशन, मुझे स्टेशन बहुत पसंद है माशाल्लाह। वाली जगह पैसेंजर यहाँ पे बैठते हैं माशाल्लाह, यहाँ से टिकट ली जाती है। ये सामने वाली जो जगह है, टिकट घर ऊपर लिखा भी हो आप जैसे देख सकते हैं, और ये बेल है। और माशाल्लाह यार मुझे स्टेशन इस वजह से बहुत पसंद है, देखो ना सब देसी देसी माहौल होता है इधर। और यहाँ पर अभी हम पिक्चर्स ले रहे थे रजा भाई की, तो चेक कर सकते हैं आप, माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्रेंड्स ये सामने हमारा जो है अड्डा आ गया, धुंध धुंध बहुत है, तो अभी चल के नाश्ता करते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स ये वाले जो पकौड़े हैं ये हमारे मतलब सिटी के बहुत ही मशहूर पकौड़े हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी पकौड़े हैं। तो अभी ये चेक करें। रेडी है, इधर से हमने अभी नाश्ता किया है, ये भाई कर रहे हैं, मैंने कर लिया है माशाल्लाह, बड़ा टेस्टी नाश्ता होता है। मुन्ने भाई की रेडी है, भाई लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। और मैंने अभी नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पहले भी घर से नाश्ता करके आया था, तो मुझे तो इतनी तलब नहीं थी। तो अभी ये नाश्ता करते हैं, फिर वापस घर को जाना है। हमने उधर से फारिग होके आगे खाना खा लिया, ये पीछे भाई लोग आ रहे हैं, तो पकोड़े लिए माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, और अभी खाते हुए वापस घर को जा रहे हैं। ठंड में पकोड़े खाते हुए जा रहे हैं, मुझे भी दे दो यार के उठा के। ठंड में पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा मतलब ना ठंडी सी हवा चल रही है, तो हवा की वजह से मैंने मुंह पे यही कर लिया। और जब हम कहते हैं ना कि कोई बड़े होटल से खाएं या कुछ, हाँ ये बात गलत नहीं कि बड़े होटलों के खाने में मज़ा नहीं होता, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। और जो रेहड़ियाँ होती हैं ना, मतलब हमारा तो छोटा साड्डा, इधर तो इतने बड़े होटल भी नहीं है, तो जो रेडी वाले का खाना होता है ना माशाल्लाह कितना टेस्टी होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इधर चने पाए और रोटी नान चावल सब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो ज़्यादातर सुबह सुबह मैं मतलब चने ही खा लेता हूँ कभी कभार, अगर आऊँ तो
क्योंकि मुझे जो पाए हैं वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ख़ासकर सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं ना। अभी ये लाइनें पीछे, अभी हम वापस घर को पैदल चलते जा रहे हैं और मेरे दोस्त कह रहे हैं यार बस करो वीडियो इतनी बना के क्या करनी। मैंने कहा यार नहीं, अपने फ्रेंड्स को सब दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, आप लोगों को पसंद आती है तो मैं आपका शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता। आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, 500-600 जितने भी हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर है ना वो मेरी पूरी वीडियो देखता है, मैं उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं वापस घर आ गया हूँ और माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया। सुबह सुबह हम उधर गए अपने नाश्ता करने और पकौड़े खाए, हमारे बहुत ही फेमस पकौड़े थे। मैं रह नहीं पाया, मैंने पहले पकौड़ों की वीडियो बना दी फिर बाद में मैंने तो लिए ना, तो काफ़ी माशाल्लाह टेस्टी होते पकौड़े। मछली उनमें थोड़ी थोड़ी थी, टेस्ट अभी भी मुझे आ रहा है वही वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और रज़ा भाई इधर बैठे हुए हैं अभी मूवी देख रहे हैं और शानी भाई जो है वो घर चला गए हुए हैं, उन्हें कोई काम था। तो माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया। उधर से फिर हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए, ट्यूबवेल पे थोड़ी देर खड़े रहे, गप्पे लगाए, फिर अपने खेतों में चले गए। उधर जाके मतलब वो क्या कहते हैं गन्ना वगैरह इन्होंने खाया, मैंने भी खाया सुबह सुबह ठंड में, माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आता है। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हम अपनी भी मैं लाइव शेयर करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।